नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टाइम एंड वर्क के बारे में। यहां से दोस्तों मैं बता दूं कि एक ना एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक को आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि हम इस टॉपिक में टाइप वाइज क्वेश्चन और सभी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ट्रिक का भी यूज करेंगे। और इस टॉपिक को देखने के बाद आपको टाइम एंड वर्क में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप रेलवे के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। जो भी आपके पास समय दिया होगा, मान लीजिए किसी काम को किसी समय में आप पूरा करते हैं, ठीक है ना, तो आपको उस समय को क्या करना है, वन बाई की फॉर्म में ला देना। मतलब मान लीजिए कि 8 दिन का समय लगता है किसी काम को करने में, तो 1 दिन का समय निकाल लीजिए तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 दिन का काम निकाल लिए, मतलब ये 1 दिन का क्या निकल गया, वर्क निकल गया। तो आपको क्या करना है, 1 दिन का वर्क निकालना है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तभी आप समझ पाइएगा कि हमें कैसा अप्रोच करना है, ठीक है। जो भी समय होगा उसको 1 दिन के वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। अब दोस्तों हमारे सामने है टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है यहाँ पे, यदि ए तथा बी किसी काम को 16 और 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये चीज आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ ए और बी, ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में। ए 16 दिन, और बी देखिए तो बी कितने दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर उसी काम को समाप्त कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1/a कर देंगे, 1/a प्लस में 1/b, मतलब 1/a कितना है, 1/16 हो जाएगा प्लस में 1/24। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ 24 दुना हो जाएगा, मतलब प्लस में 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5/48। बट ये आंसर नहीं होगा, इसको क्या कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल मतलब जो आंसर आपका निकलेगा 48/5, मतलब ये आपका समय लगेगा। तो टाइम कितना निकल जाएगा, 48/5 को फ्रैक्शन में लिखेगा तो 9/3/5 हो जाएगा, 9/3/5 दिन हो जाएगा, डेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। चलिए आगे देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया है, अब दोस्तों हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ए तथा बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को 24 दिन में करता है तो बी निकालना है। तो ए तथा बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए का काम को 1/a लिखेंगे प्लस में 1/b लिखेंगे, इक्वल टू में क्या करेंगे, 24 दिन में ये काम को करता है। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए अकेले उस काम को 24 दिन में करता है, मतलब इस ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 1/24, और यहाँ पे दोनों मिलकर 16 दिन में काम करते हैं, ये लिखा हुआ है, दोनों मिलकर 16 दिन में काम करते हैं ऐसा लिखा हुआ है, प्लस में 1/b इक्वल टू में 1/16। एग्जाम में इतना स्टेप से नहीं बनाइएगा, अभी मैं केवल आपको समझाने के लिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जब अगले स्टेप में जाएंगे तो 1/b इक्वल टू में क्या निकलेगा, 1/16 माइनस में 1/24 हो जाएगा, 1/16 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/24, मतलब यहाँ पे 48 निकल जाएगा, और 16 + 48 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 1/48 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48 दिन हो जाएगा, बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, ए तथा बी मिलकर उस काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा इससे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोटा करेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टेप बता दिया। अब ए किसी काम का 2/3 भाग को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है, ठीक है।
तो किसी काम का 2/3, मतलब उस काम को कंप्लीट कितने में करेगा? एक हिस्सा 2/3 हिस्सा 16 दिन, तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा? 3/2 दिन में। अब इसको काटिए तो ये हो जाएगा 24 दिन में कंप्लीट काम को वो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक निकल गया। अब देखिएगा, अब हम लोग के पास यहाँ दिया हुआ है ए प्लस में बी के बारे में दिया हुआ है, मतलब बोथ के बारे में दिया हुआ है। तो बोथ में यहाँ क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, बोथ में यहाँ लिखा हुआ है 3/4 हो गया। 3/4 भाग को वो कितने दिन में करेगा? 3/4 भाग को वो 12 दिन में करेगा। कितने दिन में? 12 दिन में करता है। तो एक हिस्सा को कितने दिन में करेगा? तो 12 × 4/3 हो जाएगा। 12 × 4/3 हो जाएगा, आप लोग को नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, 12 × 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, मतलब ये 16 दिन यहाँ से निकल जाएगा ए और बी दोनों का। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग से पूछा है कि बी अकेले उस काम को, नहीं, यहाँ पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये चीज निकालना है हम लोग को। तो बी का अगर निकालना है तो क्या करना होगा हम लोग को, बी का अगर निकालना है तो ए प्लस बी में से, मतलब 1/a + b - a को घटा दीजिए, मतलब ए का कितना है 24 दिन हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 48 निकल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू किसका आया? 1/48 आ गया। तो ये किसका आ गया? 1/b का वैल्यू आ गया। ये 1/b का वैल्यू आता है, तो इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 48 दिन का समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब दोस्तों हम अगले टाइप को देखते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में करते हैं, ए बी सी का दिया हुआ है, जो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कुछ नहीं कीजिएगा, 1/a मतलब 10, 1/10, 1/b यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c, तीनों का काम निकल गया, डेटा पुट कीजिए, 1/10 प्लस में क्या दिया हुआ है? 1/12 दिया होगा प्लस में 1/15 दिया हुआ है, ऐसे ही दिया है ना डेटा। उसके बाद यहाँ पे 15 लिख लीजिए, बी का वैल्यू कितना है? 15 दिया हुआ है, और यहाँ सी का वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब यहाँ से हम भागा देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। अब ऐड कीजिएगा तो 15/60 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, 15 × 60 हो जाएगा। मतलब ये तीनों अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? ये तीनों मिल जाए तो 1/4, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा इन तीनों के द्वारा, टाइम कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों कितना आसान है और कितने आसान तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी, ध्यान से देखिएगा, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, और ए और सी किसी काम को 12 दिन में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा को लिखते हैं, बट आप लोग याद रखिएगा कि एग्जाम में डेटा को नहीं लिखना आप लोग को। ए प्लस में बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ए प्लस में बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और उसके बाद क्या लिखा है, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी उससे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबको लिख के ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, एग्जाम में आप पे डायरेक्ट बनाइएगा, 1/a 1/b 1/b 1/c ऐसे लिखिए, 1/c 1/c 1/a प्लस में 1/c ऐसे लिख लिया हमने। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है उसको लिख देंगे, इसका वैल्यू जितना भी दिया है वो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, इक्वल टू में 1/10 1/15 1/12 ऐसे करके लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करके लिखिएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, सब में 2/a आ जाएगा, 2/b आ जाएगा, 2/c, तो सब में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c। ठीक है, तो इतना आपको नहीं करना था, केवल इसको ऐड करना था।
और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐड किए थे तो कितना आया था, 4 आया था। सेम इसी चीज को सॉल्व किए थे हम लोग इस वाले चीज को, तो 4 आ गया था, 4 आ गया था ना इस वाले चीज को हम लोग सॉल्व किए थे, तो 4 वन बाई चार आया था, 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में जाएगा। मतलब अगला स्टेप अगर हम लोग लिखे तो 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c इक्वल टू में 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मतलब ए बी सी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उन लोगों को लगेगा कितना दिन, 8 दिन का समय लग जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखते हैं ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, ध्यान से देखिएगा। 6 में पूछा गया है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, और ए और सी उसी काम को मिलकर 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। बताए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ये आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी, मैं यहाँ सीधा लिखता हूँ, ए प्लस में बी उसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, लिखा हुआ है बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में, और ए और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो ये दिया हुआ 18 दिन, ए और सी 18 दिन में करते हैं। तो बताए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको निकालना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ए बी सी का निकल जाएगा, हम लोग सीधा लिखेंगे 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c ऐसे लिखेंगे, और इक्वल टू में 1/2 × 1/2 × क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 2 कॉमन हो जाएगा ऐड करने के बाद, वही 2 यहाँ भागा चला जाएगा, 1/36 प्लस में 1/24 और प्लस में 1/18 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 36 × 24 = 18 का एलसीएम आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 36 × 2 देखिएगा, 36 × 2 क्या हो जाएगा, 36 × 2 = 72 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखेगा, यहाँ पे 3 लिखेगा, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 18 × 4 = 72 होता है। तो ये लिख लिया हमने, अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुना में ये सब ऐड कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 9/72 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कटेगा 8 बार में। मतलब यहाँ पे अगर सॉल्व आगे करके लिखेगा तो 1/16 आ जाएगा, 1/16 किस चीज़ का वैल्यू आया, 1/16 इस चीज़ का वैल्यू आया, 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c का वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को a निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एक हम लोग को निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कि a कितने दिन में काम को करेगा। तो 1/b 1/c का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 24 दिन, तो बस इसके जगह पे क्या करेंगे ना, 24 दिन हम लोग पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, तो 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c ऐसा हो गया, 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c इक्वल टू में 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 1/b प्लस में सी का कितना हो जाएगा, 1/24 दिया हुआ है, तो 1/24 लिख लीजिए, इक्वल टू में 1/16 हो जाएगा। अगले स्टेप में आप लोगों को पता है कि घटेगा, तो 1/a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/16 माइनस में 1/24, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, जब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए तो जल्दी से एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ पे दोस्तों स्पेस नहीं है हम लोग के पास, थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, तो देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, 1/a इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 48 आ जाएगा, 16 × 48 माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 1/48 हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 48 डेज हो जाएगा, a इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 48 डेज निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन पूछा गया टाइप फाइव क्वेश्चन नंबर सात। पहले मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सात को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सात में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सात को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर सात है, और इसमें पूछा गया है कि ए प्लस में ए एंड बी किसी काम को क्रमशः 24 और 40 दिन में करते हैं। तो ए करता है 24 दिन में, ठीक है, और बी करता है कितना, 40 दिन में। ऐसे ही लिखा है ना, बी करता है 40 दिन में, 24 और 40 दिन में करते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया कि 40 दिन में करते हैं, ए काम शुरुआत करता है और सिर्फ 18 दिनों तक काम करता है, ठीक है। ए काम शुरू करके सिर्फ 18 दिनों तक काम करता है, तो बताए शेष काम बी कितने दिन में करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ए कितने दिन तक काम किया, केवल 18 दिन तक, और टोटल इसको करना था 24 दिन। काटिए इसको, 6 × 6 = 6, मतलब ए ने कितना काम किया, 3/4, उसका काम कितना रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, तीन हिस्सा कर लिया चार हिस्सा में से, तो 3 और 4 को घटाइएगा तो एक हिस्सा उसका रिमेनिंग बच गया चार हिस्सा काम में से, तो ये निकल गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बी का निकालना है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि बी कितने दिनों में करेगा रिमेनिंग काम, तो बी इक्वल टू में 1/4 गुना में 40 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन। कितना आ जाएगा, 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए लगाता है 20 दिन का समय और बी लगाता है उसी काम को पूरा करने में 25 दिन का समय लगाता है, ठीक है। अब उसके बाद ए क्या कर, बी क्या करता है, 10 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो बी 10 दिन में कितना काम करेगा, 10/25, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 5/25 हो जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा बी का काम, ठीक है ना, 2/5 हो जाएगा बी का काम। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 2/5, तो रिमेनिंग कितना निकल जाएगा, रिमेनिंग निकल जाएगा 3/5, रिमेनिंग कितना निकल जाएगा, रिमेनिंग निकल जाएगा 3/5 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, रिमेनिंग निकल जाएगा 3/5 है। अब हम लोग को ए का निकालना है कि ए तो पूरा काम 20 दिन में करता है, तो 3/5 जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में करेगा। तो ए करेगा यहाँ पे 3/5 गुना में ए का जो काम टोटल जो समय लगता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 4, मतलब ए बचा हुआ काम 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो बताया शेष काम बी कितने दिन में करेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहले तो लिख लीजिए कि ए को कितना समय लगता है, तो ए को कितना समय लगता है, लिखा हुआ है यहाँ पे 12 दिन, मतलब ए को लगता है 12 दिन का समय। और बी को कितना दिन का समय लगता है, ये भी लिख लीजिए, बी को शायद लगता है 15 दिन, लिखा हुआ ना 15 दिन का समय लगता है बी को। अब दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करेंगे, तो 4 दिन में दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, तो 4/12 प्लस में 4/15, 4/15 ये काम करेंगे। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ भागा देंगे तो 12 × 25 = 60 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब भागा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 × 4, मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब ये आ जाएगा 36/60 हो जाएगा। कैंसिल आउट कीजिए, 12 × 3 हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा, मतलब 3/5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मतलब ये रिमेनिंग, मतलब इतना काम होगा। अब आपको निकालना है रिमेनिंग वर्क, जो बच गया वर्क है उसको निकालना है। रिमेनिंग वर्क इक्वल टू में 1 − 3/5, टोटल काम 1 था, 1 में से 3/5 घटाएंगे तो 2/5 बच जाएगा, ये काम अभी भी बचा हुआ शेष। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि बी कितने दिन में शेष काम करेगा, तो बी का निकालना है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 16 है ना, बी कितने दिन में काम करता है, 15 दिन से, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। बी इस काम बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 3, मतलब बी बचे हुए काम को बी 6 दिन में करेगा, रिमेनिंग काम को बी कितने दिन में करेगा, 6 डेज में करेगा इस काम को। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बनाया, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है,
दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ए 20 दिन का समय लगाता है, ए कितने दिन का समय लगाता है 20 दिन का, और बी कितने दिन का समय लगाता है 30 दिन का, बी 30 दिन का। अब दोनों साथ मिल जाएंगे तो दोनों साथ मिलकर पूरे काम को समय करेंगे, खत्म करेंगे एक्स दिन में। ठीक है, ये हमने मान लिया और यही क्वेश्चन में निकालना है। तो इस x दिन में से ए क्या करता है, 5 दिन पहले काम छोड़ के निकल जाता है, मतलब x माइनस 5/20 हो जाएगा, प्लस में x b क्या करता है 30 से पूरा x समय तक काम करता है, तो x बाई 30 हो जाएगा। और ऐसे अगर करेंगे ये लोग तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक हिस्सा काम हो जाएगा, तो इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब एक इक्वेशन बन गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना 20 और 30 का 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे जब लिखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो ये 60 भागा में, तो यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3×2 5x हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, इक्वल टू में 60 हो जाएगा, ये 15 जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5x हो जाएगा, इक्वल टू में 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 15×5 75 हो जाएगा, मतलब यहाँ x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा, मतलब टोटल दोनों मिल जाएंगे तो 15 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों का साथ में काम निकाला कि कितना समय में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों काम को काम करना शुरू करें, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले, बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो समाप्त तो होने में कुल कितना समय लगेगा। तो वैसे ही मानेंगे ए बी सी का, पहले लिख लीजिए ए, ए का कितना समय लगता है, ए का लिखा हुआ है 10 दिन, ए का लिखा हुआ है 10 दिन, बी का कितना लिखा हुआ है शायद 20 दिन लिखा हुआ है, और सी का देखें तो सी का कितना लिखा हुआ है, सी का लिखा हुआ है 30 दिन। ठीक है, सी का लिखा हुआ है 30 दिन, और ए प्लस में बी अगर तीनों मिल जाएंगे तो उसका लिखा हुआ है क्या, उसका मान लेते हैं एक्स, उसका नहीं दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले, ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले, मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक, ए का समय 10 दिन, प्लस में बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, मतलब क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 बी का समय। ठीक है, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, सी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो वो पूरा समय लेता है, पूरा समय तक काम करेगा और 30 दिन तक काम करेगा, और ये तीनों मिलके काम को ऐसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया होगा समझ में। अब जब एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 30 से दुना, मतलब 2x हो जाएगा, इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा है। ये 60 क्या होगा, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 60 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6×3 9×2 11, तो यहाँ पे लिख लीजिए 11x है, और माइनस 9 माइनस से 6 मतलब माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल टू में 60 निकल जाएगा, इक्वल टू में ये 60 निकल जाएगा। ठीक है ना, अब तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे इतना ही होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू में फिर से क्या निकलेगा 15 जाएगा तो 75 हो जाएगा, 75/11 क्योंकि ये गुना में है तो भागा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टाइम निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, अगर टाइम निकालें हम लोग डेज निकालें तो 6×9/11 दिन का समय लगेगा। और रेलवे में इसी प्रकार से फ्रैक्शन में आपको आंसर दिया होगा, तो पॉइंट में आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैंने गलती किया है रेलवे के एग्जाम में ऐसा। ठीक है, आगे देखिएगा, पॉइंट में भी आसपास निकलेगा बट पॉइंट वाला ऑप्शन गलत होता है, फ्रैक्शन वाला ऑप्शन सही होता है, तो रेलवे इस चीज पे ध्यान देता है, फ्रैक्शन पे ज्यादा देता है। चलिए अगला देखते हैं, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। टाइप 9 में क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में करते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है,
और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, 10 दिन 15 दिन 12 दिन में करता है। यदि तीनों एक साथ काम को आरंभ करते हैं लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी का समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है, तो ए क्या करता है, केवल 2 दिन तक काम किया, काम शुरू हुआ 2 दिन तक काम किया, काम को छोड़ दिया। बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले तक काम किया, 15 इसके नीचे हो जाएगा, बी का लिखा हुआ ना, और सी के बारे में यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, सी के बारे में यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो सी का मान लीजिए कि एक्स दिन तक काम किया। अभी हमने देखा कि तीनों का काम हमने क्या माना है, ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू में एक्स माना हुआ है, और ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा, एक हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप चेंज नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का चेंज हो रहा है बस, ठीक है। आगे देखिएगा, एलसीएम कितना आया था, 60 आया था, अभी एलसीएम कितना आया था, 60 आया था, हमारे पास नीचे जगह तो हम लिखते हैं, या एलसीएम 60 आ जाएगा, और यहाँ 10 से भागा दीजिएगा तो 6 दुनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1500 के साथ मतलब 4x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x हो जाएगा, इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x 5x 9x हो जाएगा, 4x 5x 9x हो जाएगा, और उसके बाद 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो प्लस से 8 हो जाएगा, इक्वल टू में 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घटेगा, ये क्या हो जाएगा, घटेगा, मतलब 9x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 52 निकल जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 52/9 निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में 52/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 52/9 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 पूर्णांक 7 बटे में, यहाँ लिखेंगे 5 पूर्णांक 7 बटे में 9 दिन आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और हमेशा आप आंसर किस में देंगे, फ्रैक्शन में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने देख लिया। अब दोस्तों हम लोग टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे इसका अगर कॉन्सेप्ट देखें तो M1 N2 में D1, मतलब कितना समय लगता है, कितने आदमी है, अपॉन में पूरा वर्क हो जाएगा, वर्क वन। इसी तरह क्या हो जाएगा, M2 N2 में D2, अपॉन में क्या हो जाएगा, वर्क टू हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो पूरा काम के बारे में बात किया जा रहा है, तो बटे में 1 हो जाएगा, और 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 36 गुना में x हो जाएगा, मान लीजिए 36 गुना में x हो जाएगा, बटे में पूरा काम को करते हैं, 12 दुना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा, 3 पचे हो जाएगा, मतलब x का जो वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू 10 दिन निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब 36 आदमी उसी काम को 10 दिन में कर देंगे, तो ये देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, कितने आदमी उसी काम का 1/5 भाग 15 दिन में करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो वैसे ही हम लोग लिखते हैं, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी उसी काम का 1/5 भाग, मतलब यहाँ पे एक हिस्सा हो गया, ठीक है, 1/5 भाग 15 दिन में करेंगे, मतलब 15 गुना में x हो जाएगा, बटे में कितना काम होता है, 1/5 भाग काम होता है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया था आपको। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 15 का 15 15 दुना 20 बार में कट जाएगा, और इसको और अच्छे से लिखे तो 320 हो जाएगा, 16 दुनी 32 320 हो जाएगा, और 5x हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 से कटेगा, मतलब 64 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 64 आदमी, मतलब ये x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में 64% निकल जाएगा, मतलब पर्सन आदमी हो जाएगा, 64% इस काम को इतने समय में कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपए कमाते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, तो 6 आदमी 20 दिन में कितना कमाएंगे, 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपए कमाते हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया कितना कमाते हैं, 60 रुपए कमाते हैं, मतलब उनका वर्क हो गया।
तो 6 आदमी 20 दिन में कितना कमाएंगे? 6 आदमी 20 दिन में कितना कमाएंगे, मतलब एक्स रुपीज कमाएंगे। अब 12 पचे क्या होता है? 60 होता है। अब 5 से 1 कम 5 होता है, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू में अगर निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू में क्या निकलेगा? एक्स इज इक्वल टू में क्या निकलेगा? 120 से निकल जाएगा, मतलब 120 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति मतलब मान लीजिए एक्स व्यक्ति जो है किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, एक्स व्यक्ति हो जाएगा 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता, 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता, 8 व्यक्ति और होते, मान लीजिए कि एक्स प्लस में 8 व्यक्ति होता तो काम 10 दिन पहले हो जाता, मतलब काम 50 दिन में हो जाता। अब यहाँ बटे में 1 हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट काम हो रहा है, और 1 0 से 1 0 कट गया। अब सॉल्व कीजिए, 6x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू में 5x प्लस में 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x का जो मान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। x का जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमने कितने आसानी से बनाया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पूछा गया आपसे कि कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब एक्स आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, एक्स आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि उसने दुगुने आदमी हो तो कार्य का कार्य आधा हो, मतलब आदमी दुगुना हो, मतलब आदमी क्या कर दे? दुगुना हो जाए, तो दुगुने आदमी हो तो और कार्य आधा हो, कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि काम कितने समय में होगा, इस कंडीशन में काम जो है वो कितने दिनों में पूरा होगा, जब काम आधा होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे काम क्या होता है? पूरा होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा? 4xt हो जाएगा। x से x कट गया, ये और ये कट गया, मतलब जो टाइम लगेगा वो कितना दिन लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपको समय पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा 3 दिन। चलिए आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसा अभी हमने 17 बनाया वैसे ही 18 भी बनाएंगे, तो आसानी से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। पूछा गया है कि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम का 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 90 घंटे 9 दिन 10 दिन तक काम करेंगे तो 90 घंटे, मतलब 400 गुना में 9 गुना में 10 हो जाएगा, और कितने भाग को पूरा करते हैं? तो यहाँ लिखा है 1/4 भाग को पूरा करते हैं, 1/4 भाग को यहाँ पे पूरा करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/4 भाग को पूरा करते हैं, शेष बचे हुए कार्य 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 8 घंटे प्रतिदिन काम कीजिएगा तो 20 दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे अगर देखें तो 8 घंटे प्रति, मतलब कितने व्यक्ति पूछा गया है, ठीक है ना। शेष बचे हुए कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो मान लीजिए एक्स व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और काम का 1/4 भाग पूरा हो चुका है तो अब कितना भाग होगा? 3/4 भाग होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा और 3 से कटेगा नहीं, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 200 बना देगा इसको, ठीक है। अब ये 8 से कटेगा, 8 का 8 2 16 और 25 बार में कट जाना चाहिए। अब 25 से 90, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू में और तो कुछ कुछ कटेगा नहीं, तो 25 गुना में 9 गुना में और ये 3 भागा में है तो ये गुना हो जाएगा, तो 9 गुना में 3। अब गुना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू में 675 आ गया। अब ये नहीं पूछा गया 675 व्यक्ति तो टोटल चाहिए थे आपको, ठीक है, ये टोटल व्यक्ति चाहिए थे, तो रिमेनिंग कितना व्यक्ति चाहिए? रिमेनिंग पर्सन, मतलब इस काम करने को पूरा करने के लिए बचे हुए कितने व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा चाहिए थे? तो 400 आदमी पहले थे और 625 आदमी अब टोटल हो गए, 675 आदमी, तो इसमें से 400 को घटा लीजिए तो आपका बचा हुआ व्यक्ति आ जाएगा 275, मतलब 275 व्यक्ति और आ जाएंगे तब जाके ये काम 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो 20 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, 3/4 भाग। तो
ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, देखिएगा। देखिए 19 में पूछा गया है टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 19। किसी किले में 1200 सैनिक के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है, 15 दिन के बाद 200 सैनिक अन्य चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1200 सैनिक है, 60 दिनों तक खाद्य सामग्री है, 15 दिन के बाद 200 सैनिक है, 15 दिन के बाद क्या हो जाता है, 200 सैनिक चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कीजिए, 1200 सैनिक लिखिए, ठीक है, गुना में क्या हो जाएगा 60 माइनस में 15, क्योंकि क्योंकि क्या होगा बाद में 200 सैनिक चले जाएंगे, ठीक है। तो 60 माइनस में 15, 15 दिन के बाद इक्वल टू में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे ये 200 सैनिक चले जाएंगे, मतलब 1000 सैनिक आपके पास बचेंगे, ठीक है ना, 1000 सैनिक बचेंगे। तो आपको बताना है कि कितने दिनों तक ये खाना पर्याप्त होगा। तो गुना में एक्स कर दीजिए कि एक्स दिनों तक ये खाना पर्याप्त होगा, ठीक है। तो ये 1000 दिन का जो खाना है ये इसके इक्वल है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 20 से 20 घटा दीजिए और 12 गुना में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 एक्स हो जाएगा। अब 5 90 हो जाएगा, 5 दुना हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सही आंसर आ चुका है कि 54 दिन तक बचा हुआ खाना चलेगा, ठीक है। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से आप लोग देखिएगा। हटाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया कि किसी बैरक में मतलब किसी कैंप में 110 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन है, 110 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन है, 40 दिन का। 10 दिन के बाद क्या होता है, तो 10 दिन के बाद क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 40 माइनस में 10 लिखेंगे, 10 दिन के बाद यही हो जाएगा, 40 माइनस में 10 हो जाएगा। और ये जो इक्वल हो जाएगा कि 10 दिन के बाद 40 और सिपाही आ जाते हैं, मतलब सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगा, 110 प्लस में 40 150 है। तो यहाँ x का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो कितने दिनों तक भोजन चलेगा, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को केवल आपको समझना है, 10 से 10 11 गुना में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15 एक्स हो जाएगा, और 15 दुना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत ज्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा ही है लगभग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है कि एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध है तथा 10 दिनों के बाद 1300 सैनिक 1300 और लोग वहां आ जाते हैं, जिसके कारण 24 दिनों के बाद राशन समाप्त हो जाता है। तो इस कैंप में कुल कितने आदमी थे, शुरुआत में शायद पूछा गया है कि इस कैंप में शुरू में कितने आदमी थे, ये आपको निकालना है। तो शुरू में मान लीजिए कि एक्स आदमी थे, इस कैंप में शुरुआत में मान लीजिए कि एक्स आदमी थे, ठीक है, ये काम हमने किया। उसके बाद क्या होता है कि 42 दिनों का खाना था, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 42 लिखिए और 10 दिन के बाद जो चेंज होता है उसको लिखिए, ठीक है, 10 दिन के बाद जो चेंज होता है उसको लिखेंगे। और वहां 1300 सैनिक आ जाते हैं, टोटल कितने सैनिक आ जाते हैं वहां पे, 1300 सैनिक और आ जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ x है ना, तो x प्लस में 1300 सैनिक को ऐड कर दीजिए, इतने सैनिक और आ जाते हैं इस कैंप में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस कारण ये खाना जो चलेगा केवल 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा, जो भोजन होगा वो 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा, मतलब x गुना में 32 हो जाएगा, x गुना में 32 इक्वल टू में 24 एक्स है, और यहाँ 13 चौके 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 से और 32 में से जाएगा, 32 एक्स है ना, ये कितना हो जाएगा, 32 एक्स लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब ये इस साइड जाएगा तो घटेगा, मतलब 8 एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5200 आ जाएगा। ये 24 से गुना होगा ना, ये वाला क्या होगा, 24 से गुना होगा, मतलब 1300 गुना में 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, ठीक है, कभी भी एग्जाम में मल्टीप्लाई कीजिएगा नहीं। तो 8 + 24 हो जाएगा और x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3900 पर्सन, मतलब कैंप में शुरुआत में 3900 व्यक्ति थे।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि किसी किले में 760 व्यक्तियों के लिए 22 दिनों तक का भोजन का प्रबंध था। 22 दिनों के बाद कुछ और व्यक्ति किले में आ जाते हैं, जिसके कारण भोजन 19 दिनों तक चला। कितने अतिरिक्त व्यक्ति आते हैं, ये आपको बताना है। तो इस बार आपको अतिरिक्त व्यक्ति बताना है। तो 708 व्यक्ति हो गया, और ये भोजन कब तक चलेगा? ये भोजन चलेगा आपका 22 दिनों के लिए भोजन प्रबंध था। दो दिन के बाद कुछ चेंज होता है, मतलब 22 में से क्या कीजिए, दो दिन को घटा दीजिए जब भी चेंज होगा, और कुछ अतिरिक्त व्यक्ति आ जाते हैं। मतलब 780 लिखा हुआ है ना, कितना लिखा हुआ है, 760 लिखा हुआ है ना कि 80 लिखा हुआ है। तो यहाँ 760 लिख लीजिए, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 760 लिखा हुआ है। एक्स व्यक्ति अतिरिक्त आ जाते हैं, तो जिस कारण भोजन जो होगा वो 19 दिनों में खत्म हो जाएगा। कितने दिनों में? 19 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 19 चौके क्या हो जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा। तो 40 गुना में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, गुना नहीं कीजिए, जब जरूरी होगा तो हम खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अब ये गुना कीजिएगा तो 800 हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो घटेगा। मतलब एक्स इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू में 800 में से 760 जाएगा तो 40 निकल जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू में 40, मतलब 40 और अतिरिक्त लोग आ जाएंगे तो जो भोजन होगा वो 19 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे इस टाइप में वो हमने देखा। एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 23, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं। काम आरंभ होने के 6 दिन के बाद 4 अन्य व्यक्ति काम पर आ जाते हैं, तो शेष काम पूरा करने में उन सबको कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ दिन पूछा गया है, तो 12 व्यक्ति है, 6 दिन के बाद कुछ चेंज होगा, तो 18 माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। और यहाँ पे 4 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाते हैं, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 12 4 कितना हो जाएगा, 16। तो आपसे पूछा गया है कि कितने दिन तक लगेंगे काम पूरा करने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 गुना में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 एक्स हो जाएगा। 4 से 4 तिया हो जाएगा, फिर 4 से 4 तिया हो जाएगा। मतलब पहले एक बार 4 से, फिर 4 से काटे तो 4 तिया। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 9। x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइप 12 में। 6 आदमी और 5 औरत मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 4 औरत मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। बताएं कि 9 आदमी और 15 औरत मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे D1 D2 मतलब कितना दिन लगता है पहले आदमी को, कितना दिन लगता है दूसरे आदमी को, फिर A1 B2 हो जाएगा, A1 B2 हो जाएगा, फिर B2 A1 हो जाएगा। तो ये 1 2 2 1, A1 क्या हो गया, पहला आदमी कितने हैं, 6 आदमी 5 औरत, ऐसे है ना। तो A1 हो गया, A1 कितना हो जाएगा, 6 आदमी, और B2 कितना हो जाएगा, 4। देखिए B2 कितना दिया, 4 दिया हुआ है। तो A1 B2, A2 क्या हो जाएगा, ये आदमी है, ए मतलब आदमी, बी मतलब औरत है, और A2 मतलब दूसरे आदमी के बारे में कहा जा रहा है, और B1 मतलब पहले आदमी। अब D1 के साथ 1 3 आएगा, फिर 3 1 आ जाएगा। D2 के साथ 2 3 आएगा, फिर 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप आसान तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। चलिए अब इसमें बैठाते हैं। तो 6 यहाँ क्या दिया हुआ है कि टाइम देखिए 6 दिन लगता है, और एक जगह 10 दिन लगता है। तो सबसे पहले 6 गुना में 10 कीजिएगा, उसके बाद A1 B2, A1 कितना है, 6 आदमी, और B2 देखिएगा तो कितना है, दूसरे इक्वेशन में 4 औरत है। माइनस में A2 देखिए, दूसरे इक्वेशन में आदमी कितना, 3 है, दूसरे इक्वेशन में आदमी कितना, 3 है। और B1 देखिए, B1 कितना है, B1 देखिएगा तो B1 कितना, 5 औरत है, पहले इक्वेशन में B1 दिया हुआ है 5 औरत, बटे में क्या हो जाएगा, D1, तो D1 कितना दिया हुआ है, 6 दिन। और A1 कितना है, A1 का वैल्यू देखिए, तो A1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, A1 का वैल्यू कितना दिया है, 6। और B3 मतलब नीचे में जो पूछा गया 15 आदमी कुछ पूछा गया ना, कि 15 औरत और 9 आदमी, तो B3 लिखना है, तो ये औरत का लिखना है, और 9 आदमी गुना में B1, B1 कितना, 5 औरत, 5 औरत। ठीक है, आदमी औरत ऐसे ही करना है आपको।
और डी टू कितना है, डी टू देखिएगा तो डी टू मतलब 10 हो जाएगा, डी टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ए टू कितना है, ए टू देखिए, ए टू ए टू ए टू देखना होगा हम लोग को, तो ए टू यहाँ पे कितना है, ए टू हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बी थ्री कितना होगा, बी थ्री देखिए तो ध्यान से, बी थ्री लिखा हुआ है यहाँ पे 15, बी थ्री क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, ठीक है, बी थ्री यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है। ई थ्री देखिएगा तो 9 है और बी टू देखिएगा तो 4 है, ध्यान से देखिए बी टू कितना है 4 है। ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व भी करते हैं, यहाँ पे हमारे पास तो स्पेस कम है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, दिखेगा ठीक है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 24 माइनस 15 मतलब 9 हो जाएगा, 60 गुना में 6 चौके 24 माइनस 15 9 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 6 आ जाएगा, ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिए, 15 छक 90 में से 45 जाएगा मतलब 45 हो जाएगा। कभी भी गुना नहीं कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो क्वेश्चन लंबा होता है। अब यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे 15 तीय 45 माइनस 36 मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है, ये आया समझ में आप लोग को, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे 9 से कटेगा, 9 एकम 9 9 पचे 45 9 एकम 9, ठीक है, अब गुना किया जा सकता है, तो 60 बटे में 30 से माइनस में 10, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और लिखेंगे तो इक्वल टू में 60 बटे में 20 हो जाएगा, तो ये कट गया, 3 दिन आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों लंबा है, बट अगर आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो आसानी से बना सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया 3 डेज, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया ये, 25 भी दोस्तों इसी टाइप पे बनेगा, ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 7 आदमी 6 लड़के, आदमी और लड़के हो गया मतलब A1 मतलब आदमी, B1 मतलब लड़के, तथा 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है, तो बताया कि 8 आदमी एवं 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे D1 तथा D2 कितना दिया हुआ है, 6 6 दिन दिया हुआ है, ठीक है, D1 और D2 दोनों दिया हुआ है 6 दिन में, लड़का और आदमी दोनों 6 6 दिन में करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल गया, D1 और D2 मिल गया। तो इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखिएगा, तो यहाँ से अगर हटा दे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 दिन गुना में 6 दिन, ये तो पहले ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 7 गुना में 8, 7 गुना में 8, क्वेश्चन में देखिए दूसरे इक्वेशन में जो लड़का है ना वो 8 लड़के हैं, इसलिए 7 गुना में 8 किया हमने, माइनस में 6 गुना में 6 हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में आदमी कितना है 6 है, ठीक है ना, आदमी 6 है, तो यहाँ ऊपर में हो गया। अब D1 कितना है, D1 अभी 6 लिखा हमने, अब A1 कितना है, A1 हो जाएगा 7 गुना में 8, 7 गुना में B3 आपका 8 है, मतलब जो लास्ट हम लोग को निकालना है वहाँ 8 8 है दोनों दिया हुआ है, माइनस में A3 कितना हो जाएगा, A3 दिया हुआ है यहाँ पे 8 ही दिया हुआ है, A3 कितना दिया 8 दिया हुआ है, और B1 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस में D2 कितना दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है ये भी 6 दिया हुआ है, और यहाँ A2 कितना दिया हुआ है, A2 देखिएगा तो A2 मतलब कितना हो जाएगा, A2 6 आदमी और 8 लड़के, A2 मतलब कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 6 गुना में 8। अब डेटा देख के लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि डेटा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में डेटा भी लिख देता हूँ, यहाँ पे A1 A2 और A3 डैश किसे किया हमने, B1 B2 और B3। A1 कितना है, A1 के सामने लिखा है 7 आदमी, और A1 7 आदमी हो गया, और उसके बाद दूसरे इक्वेशन में 6 आदमी दिया हुआ है और लास्ट में 8 आदमी दिया हुआ है। B1 कितना है, B1 देखिएगा पहले में 6 दिया हुआ है, दूसरे में आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे में पहले में 6 दिया हुआ है और दूसरे में 8 आदमी, तीसरे में 8 दिया हुआ है, ये तो क्लियर दिख रहा है हम लोग को, 6 लड़के और यहाँ दूसरे में 8 लड़के भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमने बना लिया।
अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 अभी हमने बनाया, 24 इससे पहले वाला क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और इसके बाद 27 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सब चीज लिख देता हूँ कि एक आदमी दो औरत 12 दिन में कर सकते हैं। यदि एक औरत उस काम को 40 दिन में कर सकती है तो दो आदमी एक औरत है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फॉर्मूला मुझे फिर से लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले मैं डेटा लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1, A2 और A3। यहाँ पे मुझे लगता है कि 0 दिया हुआ है, यहाँ पे एक आदमी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी दिया हुआ है और यहाँ पे लास्ट वाले में दो आदमी दिया हुआ है, तो A1 A2 A3 निकल गया। उसके बाद यहाँ पे B1 B2 और B3, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकल जाएगा आपका कि यदि एक औरत उस काम को 40 दिन में करती है, एक औरत उस काम को 40 दिन में करती है तो दो औरत, यहाँ दो औरत हो जाएगा। उसके बाद यदि एक औरत उस काम को 40 दिन में, मतलब औरत एक है और पहली क्या पूछा गया, एक औरत पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको टाइम वही क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, D1 D2 A1 B2, माइनस का साइन था, B1 A2। ठीक है, यहाँ तक तो आसान है। उसके बाद क्या हो जाएगा, D1 कि D1 A1 B3 यही होगा ना, माइनस B1 A3। ठीक है, B1 A3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या होता है, माइनस का साइन होता है, सब जगह माइनस ही आपको याद रखना है, कहीं भी प्लस नहीं होता है। तो माइनस D2 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बिना, मतलब फार्मूला कितना आसान है लिखना। अब यहाँ पुट कर दीजिए डेटा, जो जो वैल्यू दिया है उसको डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ। तो पहले होगा 12 और 40 दिन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 और 40 दिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गुना में एक हो जाएगा, एक गुना में एक माइनस में दो गुना में जीरो हो जाएगा, दो गुना में जीरो हो जाएगा। आगे 12 गुना में एक गुना में एक माइनस दो गुना में दो हो जाएगा, माइनस 4 0 गुना में एक माइनस एक गुना में दो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आप। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मेरे पास उतना जगह नहीं है तो मैं सीधा सॉल्व करके लिख देता हूँ, इसका आंसर लिख देता हूँ, 10 पूर्णांक 10/11 आ जाएगा। ठीक है, इतना दिन आ जाएगा, या इस चीज़ को जब फ्रैक्शन में नहीं कीजिएगा तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही आंसर आपका है। ठीक है, और ये ठीक ठाक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा आंसर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 से पूर्णांक में 10/11 दिन। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हाँ टाइप 13 क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 लड़के उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग है दोस्तों, 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 लड़के उसी काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग चीज दिया हुआ है। यहाँ पे बताया कि 8 आदमी और 3 लड़के मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ अलग लग जाएगा, यहाँ फार्मूला कुछ अलग लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं टाइम का फार्मूला लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या करना है, A1 A1 मतलब आदमी, T1 मतलब उसका दिन, और A1 into D2 by A1। ठीक है, गुना में क्या हो जाएगा, B1 into D2 by
बाई बी टू, ठीक है, ए और ए एक साथ, बी और बी एक साथ। उसके बाद यही चीज को प्लस कर देना नीचे में, सेम इसी चीज को क्या कर दीजिए, नीचे प्लस कर दीजिए, मतलब ए वन डी वन बाई ए टू प्लस बी वन डी टू बाई बी टू। तो ये मैंने लिखा, फॉर्मूला लिखा, बस इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 गुना में 10 बाई, 20 गुना में 10 बाई 8 प्लस 20 गुना में 10 बाई 8 गुना में 10 गुना में 15 बाई 3, 10 गुना में 15 बाई 3 अपॉन में 20 गुना में 10 बाई 8, 20 गुना में 10 बाई 8 प्लस में 10 गुना में 15 बाई 3, 10 गुना में 15 बाई 3। तो देख सकते हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया इसमें, और ये क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो चार दुना हो जाएगा, चार पचे हो जाएगा, दो पचे हो जाएगा, मतलब यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ तीन पचे हो जाएगा, तो ये कट गया। यहाँ पे सेम वही आ जाएगा, पाँच पाँच आ जाएगा और यहाँ पे पाँच आ जाएगा, मतलब सेम यही आ जाएगा। मतलब ऊपर कितना आ गया, ऊपर 25 और प्लस में 50 बाई, यहाँ पे 25 और प्लस में नहीं, 25 गुना है, यहाँ पे ऊपर में गुना है, नीचे में 25 प्लस में 50 हो जाएगा, यही चीज़ आया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 गुना में 50 कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, अपॉन में 75 हो जाएगा, 25 दिया 75, ठीक है, 25 दिया क्या आ जाएगा, 75 आएगा, मतलब ये कटा नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो टाइम आ जाएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 बटे में 3, बट ये रेलवे आंसर देगा नहीं, रेलवे क्या देगा आंसर, 16 पूर्णांक में 1/3 देगा दिन। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो अगर इन 27 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों टाइम एंड वर्क में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने देख लिया। अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और हम मैथ्स का फुल कोर्स आप लोग को कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, क्लास 1 से लेके क्लास 40 तक का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।